सुबह आ जाओ जी। हाँ वहाँ चलेंगे, पहले बाहर से देख लूँ। पहले ये जो बीच में डंडा बन रहा है कच्चों से पहले भी हुआ है ना? पहले हाँ, हाँ मेरा सीन है डकैत का, डाकू का रोल निभाया था मैंने। आपकी क्या सीन था उसमें? मतलब डाकू में, डाकू में मतलब गैंग का, मतलब मैं लीडर था। आप अच्छा, गैंग के लीडर थे? हाँ, 1 घंटा 39 मिनट पर। अच्छा, 1 घंटा 39 मिनट पर आपका गैंग जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दोस्तों फिल्म का एक सीन यहाँ पर भी शूट किया गया था इस जगह पर। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी? दोस्तों आज हम दोबारा से धौलपुर से आए हैं। परसों आए थे तो शाम को लेट हो गए, अबिन भाई की कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए भी फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। तो अभी हम आज जाएंगे पान सिंह तोमर फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर, और उसके बाद फिर हम जाएंगे पान सिंह तोमर के रियल गांव, उनके गांव का, उनके घर वालों का कुछ वीडियो शूट करेंगे अगर कुछ मिलेगा तो। तो अभी हम हैं धौलपुर से करीब 4 किलोमीटर आगे, और अभी हम जाएंगे इधर गांव है गुरैया खेड़ा और बमरौली है और भी कुछ हैं। तो अभी हम जिस स्थान पर हैं ये पूरा मतलब बीहड़ एरिया है, तो एक बार घुमाइए कैमरा, दिखाइए चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए बिल्कुल एकदम बीहड़ एरिया है, मिट्टी के टीले दिख रहे होंगे आपको इसमें। इस प्रकार के कुछ टीले आपने फिल्म पान सिंह तोमर में भी देखे होंगे। भाई कौन सा गाना बज रहा है? कॉपीराइट ना आ जाए। अरे भैया ये रसिया बज रहे हैं। यहाँ जो गुर्जर लोग हैं ना वो रसिया बहुत पसंद करते हैं, और गुर्जर लोग ही गाते हैं रसिया, तो उन्हीं के चल रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा है, उसमें चल रहा है ये गाना। फिलहाल यहाँ बीहड़ों के नीचे सरसों की फसल भी काफी हो रही है इधर नीचे। लग जा रहा है तो चलिए अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 बजे हैं। अभी हमें यहाँ भी जाना है जिस गांव में शूटिंग हुई थी, उसके बाद में फिर हमें पान सिंह तोमर के असली गांव में जाना है। पान सिंह तोमर का असली गांव जो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। अब वो भी हम सर्च करेंगे, उनके गाँव का नाम है भड़ौसा। भड़ौसा है ना, तो भड़ौसा गाँव हम गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कितना दूर है, फिर वहाँ चलेंगे। चलिए पहले इस गाँव में चलते हैं। अभी हमने वहाँ पर वीडियो शूट किया था और यहाँ पर ये भैया मिले हैं, यहाँ हमने बाइक खड़ी करी थी, इधर जाएंगे हम। तो भाई यहाँ पे जो फिल्म बनी थी पान सिंह तोमर, उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? जी बमरौली सहानपुर में। बमरौली और सहानपुर दोनों? सहानपुर दो ही गाँव में हुई। हाँ दोनों गाँव सीन ली गए जी। या दोनों में कोई गाँव है? हाँ गन्ना जी, गन्ना ही जी जो ना जी। ना नहीं मैदान में कहूं पुलिस आई ही ना तो। अरे पुलिस ना आई यार, वो है लंबा नहीं था। हां जी सहानपुर की है। तो सहानपुर की है? सहानपुर कितना दूर है? ऐसे 1 किलोमीटर दूर है यहीं आ। ये रास्ता जा रहा हूं, ये जा रहा नीचे को तीज वाला। पान सिंह तोमर की शूटिंग कौन से गांव में हुई? हम पान सिंह तोमर ही यही गांव में ही शूटिंग है। ये घर है यहां पे? आ तो है। ये तो कह रहे सहानपुर में हुई? पीछे छोड़ा तो जगह और जीव गएंगी है जी। गांव में टंगी है पहली अपने में। पान सिंह तोमर को घर दिखाया गया फिल्म में? हाँ तो जी घर है यही गांव में और कहाँ है? अच्छा चलो तो बताओ साइड में फिर दिए भी यही गांव को है ये तो। अच्छा पुलिस थानों बना को देखे वो है क्या? वो तो गांव को किला है। अरे शेरगढ़ा किला और कहाँ को किला? शेरगढ़ा किला ना, शेरगढ़ा को किला हो जी। वो तो टूटो पर हुआ जी, बिल्कुल नव किला है। अरे ये बनाओ गए हो? जय बनाओ जय। जय नहीं बनाओ जी, वही बनाओ शेरगढ़ा किले पे। मैं उन बनाया हो सेट तो थाने को तो कुछ नहीं, वो शेरगढ़ा के किले पे ही है। डेढ़ महीना चली शेरगढ़ा किले पे, डेढ़ महीना पान सिंह तोमर की। चलो हम आ जा बैठ। दोस्तों ये है बमरौली गांव जो कि धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। ये जो छतरियां देख रहे हैं इनका भी सीन लिया गया है फिल्म में। और ये है घर जिसमें हुई थी शूटिंग, इस घर को पान सिंह तोमर का घर बताया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। भैंस या ना मार दे भैया। और इधर यहाँ पे पहले छप्पड़ डले थे और अभी टीन डली है।
चलिए अंदर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर वो सीन शूट किया गया था जब ट्रैक्टर लेके आते हैं भंवर सिंह, तो यहाँ पर लोग बैठे होते हैं चारपाई लेकर, उसमें पीछे वो छतरी दिख रही होती हैं। ये छतरी मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से, ये अभी पहले यहाँ पे बाउंड्री नहीं हुई थी, बाउंड्री बाद में हुई है। और इधर ये जो दरवाजे देख रहे हैं इनका आपको मैं सीन दिखाता हूँ। दोस्तों फिल्म का एक सीन यहाँ पर शूट किया था जिसमें दोनों दरवाजे दिखाए गए हैं। इसमें यहाँ पर स्वास्तिक मड़ा है, देखिए दूर से नहीं दिख रहा था, ये है स्वास्तिक। भीग गए, ये दरवाज़ा खोल दो बताओ, चले जाएंगे। यहाँ अंदर का सीन है ये, चलिए अभी मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक इसी प्रकार के दरवाजे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे आगे और वहाँ तक। यहाँ पे ये भूस भरने की झोंपड़ी है देखिए, और स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा इसी प्रकार की झोंपड़ी यहाँ पर बनी थी। इसके पीछे देखिए वहाँ पर है छतरी, लेकिन यहाँ से दिख नहीं पा रही हैं। हाँ भाई यार तेरे मैंने कुछ कही की कही वीडियो बना रहा हूँ, बता मैं ना बता रहा हूँ, जरा बता रहा हूँ। हमें कल आए ना यार, आ जाए परसों आए, हम परसों चले गए, मुझे क्या पता है। बनी यहाँ फिल्म बनी ना? हाँ पान सिंह तोमर की बनी है, बनी है। और शूटिंग अब जाएंगे दूसरी जगह पर भी हम, सुबह आ जाओगे? हाँ वहाँ चलेंगे, पहले बाहर से देख लो पहले। ये जो बीच में डंडा बन रहा है कच्चों से पहले भी है ना, पहले हाथों में दे हाथों है। हाँ हाँ मशीन हाँ मशीन भी रखी, दादा भी ले लिए, दादा कह देना चाहिए बनी शूटिंग ना, वो तो जगह दिख रही है पूरी जगह देख ले। ये कमरा बाद में बने ऊपर? हाँ ये तो बाद में बने हैं ये तो। हाँ जगह यही है। चलो और एक सीन और भीतर से देखो, ये अरे भाई आइयो यहाँ पे, ऊपर जो बक्के कूदे है ना, कौन छत पे कूदे? वो यही पे थे कूदे, पीछे कोई यही पे कूदे, ज्यादा ऊंची ना आएगा ये ना, वो सच में कूदे ये देखा, सच में चमई कूदे। सीन तो यही है, ये टीन में डल रही पहले यहाँ पे, ये वाली टीन रही तो नहीं डरवाई यार, मैं जिद्द जीरो जीना रे दिख रहा जीना होने जी जी दो दो दरवाजे गेट हो मुझे वो देख दे पूरी भी बुई की बुई कैसी आ रही है देख। हां कैसे पीछे होती है, थोड़ा पीछे तो आएगा, पीछे हटो पीछे थोड़े से, अरे अब आ रहा हो सही, ये कर सिया भी धरी है यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, एक सीन यहाँ पे था, यहाँ मशीन रखी है इसके पीछे, बंदूक लेके भागे जो, या दीवार पे रखी राम राम सा, या झोपड़ी के पीछे, एक एक झोपड़ी और है ना पहले। हाँ तो अभी हमने जो वीडियो शूट किया था वो आप ही के घर का है ना भीतर? पक्का। तो भैया आपके घर में यहाँ जो ट्रैक्टर निकाला था, तो वो जो ड्राइवर थे ट्रैक्टर पे चलाया था, वो आप ही के गांव के थे? उनके साथ में जो बैठे ट्रैक्टर पे दो तीन लोग हमारे चाचे हैं, चाचा आपके चाचा ताऊ ने नीचे जो बैठे वो अखबार पढ़ रहे थे नीचे की खबर आई है अखबार में। और ये पान सिंह तोमर देखो भाई मेडल मेडल लेके आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे आए वो, तो उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ रही? उनके रुकने वो कोई बाहर रुके पर ही आपके गांव में गांव में ही रुके थे, उनकी चले जाते हो फिल्म वाले आते थे वो कहाँ रुकते थे? धौलपुर धौलपुर आगरा धौलपुर आगरा इतनी मालूम नहीं है, धौलपुर ही रहती होटल में, कमल होटल में, कमल होटल में धौलपुर में। हाँ बाबा को मालूम है कमल होटल में रुके। ना सही कह रहा बाबा, नहीं हमें मालूम होगी कोई बताई होगी उनमें, वही बस हो सही। कितने दिन शूटिंग चली बाबा यहाँ पे, कितने दिन शूटिंग चली फिल्म वाले यहाँ पे, कितने दिन भाई घर पे भाई तुम्हारे घर पे भाई। हाँ अच्छा जहाँ मैं बनवाई मैंने से बनाई थी व्यवस्था। अच्छा तो जेल लिखी है यहाँ पे सोने सिंह तोमर हो तुम? हाँ तोमर नहीं तोमर हो
तोंगर तोंगर हो तुम तोंगर है अच्छा पान सिंह था तोमर तो पान सिंह तोमर है हमने सोचा तुम्हारा ही तोंगर है नहीं नहीं अच्छा अबे तुम्हारा कोई सीन है वहां में फिल्म में नहीं ऐसे करके बैठे सब लग रहे हैं अच्छा बैठे रहे तुम ऐसा क्या कि तुम्हारा बोल दूं नहीं भाई ये ज्यादा तो तुम्हारे गांव वाले ही है वहां में गांव वाले ज्यादा है बंबई ज्यादा है काम करो भाई हां बे बने थे गांव की मोड़ जाते हैं अच्छा जो डकैत बने उसको तुम्हारे गांव के जून कर ले बाबा और ये एकदम सही आ रहे हैं गांव वाले यही के ऐसे यही के ये सब लड़का जाते हैं पुनः सर आए डकैत अबे जाए तो बना के ले जा दे कहां शक्कर रखा है ये मोरोली जी हम बता रहे हैं कि कहां फिल्म बनी लोका लोका डकैत फिल्म बनी ना बोलो बता दे जो लोग बाग पूछे भैया फिल्म कहां बनाई जी जगह कहाँ पे है देखो अभी हमने इस घर में वीडियो बनाया था ये पान सिंह तुम्हारा घर दिखाया गया है पहले ये बाउंड्री नहीं हुई थी यहाँ पे कब हुई है बाउंड्री अब कराई हुई है कितने दिन पहले अभी एक दो महीने एक दो महीने पहले कराई अगर हम एक दो महीने पहले आ जाते तो पूरा सीन मिल जाता बिल्कुल कम्प्लीट तो ये दीवार अभी कराइए ट्रैक्टर यहाँ से निकलता है ना ट्रैक्टर हाँ तो यहाँ से आते हैं उनके जो ताऊ होते हैं वो मारने के लिए तो यहाँ पे सीन फिल्माया गया आते हैं जो इधर से उनके बंदूक लिए इधर से निकल के आते हैं ना नहीं था वो गली वाला हाँ यही है वो गली वाला सीन जे वाला ये दीवार दिखाई गई थोड़ी सी और पीछे का वो दिखाया गया और इसके पीछे वो और वहाँ पे लड़ाई हुई थी पीछे आंगनबाड़ी का मैंने पांच सिंह मार दी दो अच्छा दोस्तों एक चीज यहाँ पर शूट किया गया था जब इरफान खान यानी कि पान सिंह तोमर यहाँ खड़े होकर चलाते हैं कि ये पान सिंह तोमर भड़ोसे वाले का गैंग है तो उसमें ये है आंगनवाड़ी केंद्र पुराना जगह है एक मैं फोटो शूट कर फोटो आ जाओ सामने यार अब तो रीत चम्मच चला अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने काम किया था ना उसमें हाँ, पान सिंह तोमर में कौन सा सीन है उनका सीन हुआ डकैत नहीं कोई है डकैत बने जब की पापा ने करो डकैत है डकैत बने फिल्म में जब का पापा डकैत बना बनाएगी आपके यहाँ पे फिल्म बनी है ना पान सिंह तोमर तो बस भाई की जगह देख रहे हम कहाँ कहाँ बनी वो गेहूँ बनी यही और बतों में बनी गेहूँ बनी बैठे मेरे को सीन ले लेते उनको उनको सीन भी है आपके गांव के लोगों ने भी काम करे हाँ खड़े हुए चलिए महीना भर चली चलो बढ़िया चली गोड़ैया खेड़ा कितना दूर है यहाँ से दूर है फिर कहाँ है वो जाते हैं ना वो जगह बता रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग वहाँ की वीडियो नेट वह पटका लगी भाई खेच हुए डे कहाँ जा खेच हुए डे अच्छा यहाँ पे घर में जब भाग के आते हैं सभी लोग छत से कूद कर तो वो इधर होकर निकलते हैं इस रास्ते से ये टंकी है पानी की पुरानी टंकी शायद अभी ये काम में नहीं आ रही है तो इसमें देखिए अभी आपको चार खंबे से दिखाई दे रहे होंगे अब यहाँ से दिखाता हूँ तो इसमें बस तीन ही खंबे दिखते हैं ये तो सीन यहाँ पर फिर मैं दोस्तों अभी जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीन इस प्रकार से था कि यहाँ पर एक भुसबरने की झोंपड़ी बनी थी वैसे हम यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं लेकिन उसमें छतरियाँ नहीं दिख पा रही हैं सही तरीके से तो ये अभी आप देखिए स्क्रीन शॉट में छतरियाँ दिख रही हैं दोनों और पीछे वाले जो घर हैं ये भी आप देख सकते हैं देखिए इस घर में जब लोग बातचीत करते हैं खाड़े बैठ के कि दौड़ में अव्वल आया है अखबार पढ़ते हैं तो वो सीन यहीं पर फिर मैं आ गया था उसके बैकग्राउंड में ये दिखाए गए देखिए दो छतरियाँ और ये पीछे वाला घर जिसमें टीन डली है अभी इस गांव में जितने भी सीन फिल्माए गए थे वो सभी अब मैं आपको दिखा चुका हूं अभी हम जाएंगे यहां से दूसरे गांव में जहां पर जो पान सिंह तोमर के ताऊ जी का घर बताया गया था वहां चलेंगे अभी दोस्तों अभी हम साहनपुर गांव में पहुंचे हैं जो कि बमरोली से करीब 2 किलोमीटर दूर है तो यहां पर हमारी एक ये हैं बचना सिंह जी इनसे मुलाकात हुई है तो इन्होंने ही यहां पे बैंडेड क्वीन फिल्म की शूटिंग करवाई थी इन्हीं की देखरेख में हुई थी और पान सिंह तोमर की हुई थी शूटिंग और इनसे बातचीत करते हैं बताएंगे आपको पूरी कहानी क्या रही थी तो आप हैं मिस्टर बचना सिंह जी तो सर बताइए यहाँ पे कैसे कैसे शूटिंग हुई थी आपके इलाके में पहले बैंडेड क्वीन की शूटिंग हुई थी अच्छा डायरेक्टर शेखर कपूर जी थे हाँ हाँ कैमरामैन अशोक मेहता अच्छा दूसरी फिल्म पान सिंह तोमर डायरेक्टर तिमांशु धूलिया अच्छा उसका एक्टर था इरफान इरफान खान हाँ हाँ जी तीसरी फिल्म कड़वियाबा अच्छा कड़विया अच्छा आपके गांव में कौन कौन सी शूटिंग हुई मेरे गांव में सोंच रैया और कड़विया अच्छा हाँ तो आपके गांव में दो ही फिल्म हमने वहां पे हमने बताया बताया था वहां के लोगों ने कि आपके गांव में उस पान सिंह तोमर के सीन लिए गए नहीं नहीं पान सिंह तोमर के नहीं लिए वो मैंने शूट कराई है मतलब मैं तो पहले दस्ता नहीं था यहाँ अच्छा मैंने शूट कराया इनका और यहाँ पे फेमस हुई है मेरे जंगल में इसमें फेमस
अच्छा फेमस कोई फिल्म? फेमस हाँ, अच्छा, फेमस अच्छा। फिल्म है जो डायरेक्टर था उसका करण बुटानी। अच्छा अच्छा, मुड़वेड़ वाले जो सीन लेके पान सिंह कमरों को कहाँ पे थे? वो जंगल में। जंगल में जंगल जो वो घर दिखाया गया है, जो कमरा ये गया उनके ताऊ का बताते हैं वो। एक तो ये है कि वो जो पान सिंह का वो मारा गया है ना बाबू भैया, वो इस गांव में मारा गया था, बंगरोली गांव में मारा गया था। अच्छा बमरोली, हाँ, बमरोली गांव में तो पान सिंह तोमर का घर था जो हम अभी आ गए हैं वहीं से। पान सिंह तोमर में दो जगह बताई हैं। अच्छा वहां पे मुठभेड़ भी है। अच्छा जो खाना बना रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं उस टाइम पुलिस आ जाती है, गायों का सारा लेके भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा, सरपंच के घर में रुकते हैं वो? हाँ सरपंच के घर, सरपंच सरपंच उसमें मतलब पुलिस को बुलाता है। तो सरपंच वाले सीन इस गांव में लिए गए थे? हाँ इसी गांव में लिए। अगले बार कौन सा गांव है वो? ये बंगरोली, ये पीछे। अच्छा बंगरोली में तो हम लेके आए अभी सीन, वो तुम कुआ पे लिया सीन? हाँ हाँ, कुआ से नीचे जो मुठभेड़ की जगह है। अच्छा अच्छा, वो जंगल में है? नहीं गाँव में। गाँव में तो घर में रुके थे सरपंच के, वो है सरपंच में जो घर पे रुके हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है, मुठभेड़ हो जाती है, तो उसका इरफान का जो भाई पान सिंह का बना है उसमें गोली लग जाता, मारा जाता है वहाँ। अभी हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर उसके ताऊ का घर दिखाया है, भंवर सिंह का। भंवर सिंह का वो यहाँ पे ग्रे का नगरा, ग्रे का नगरा। यहाँ से कितना दूर पड़ जाएगा? यहाँ से तो बैठेगा 30 किलोमीटर करीब। यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ जाएगा? पड़ जाएगा, हमें यहाँ से धौलपुर जाना पड़ेगा। धौलपुर, धौलपुर से सरानी खेरा, सरानी खेरे से पूछ लेना। तो यहाँ से पान सिंह तोमर का जो रियल गाँव है वो कितना दूर पड़ जाएगा? वो एमपी में भड़ौसा। हाँ भड़ौसा कितना दूर पड़ेगा? जी भिंड साइड है, भिंड के पास, भिंड के आसपास में, तो काफी दूर पड़ेगा यहाँ से। हाँ। गूगल मैप पे हमने डाला तो लगभग 70 किलोमीटर दिखा रहा है। 70 किलोमीटर यहाँ से मुरैना होके निकलना है। 70 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ में रहे थे क्या? हाँ जी साथ में। आपने कितने दिन तक करवाई थी यहाँ पे शूटिंग? मतलब 33 दिन तो मतलब हुई है उसकी, पान सिंह तोमर की। 33 दिन तक? हाँ 15 दिन एक बार, 33 दिन एक बार। अच्छा अच्छा, तो आप ही की देख रेख में हुई थी? हाँ, मेरी देख रेख में। आपने लोकेशन वगैरह उनको बताई थी सर? हाँ, चलो सही है। अभी भी जान मुलाकात में रहते हैं क्या? हाँ मुलाकात, बातचीत होती रहती है। बातचीत होती है। आपसे तो डायरेक्टर बात करते होंगे? डायरेक्टर मतलब मैं, मतलब ऐसे जब बैंडिट क्वीन शूट कराई है जबी से मेरे उनसे, क्योंकि उनसे मिलते जुलते तो आती है। जब बैंडिट क्वीन का भी आपने करवाया था? हाँ मैंने करवाया था बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन तो 94 में हुई थी लगभग, 94 में तो आई थी वो, 92-93 में हुई होगी शूटिंग। मेरी उम्र जब दाढ़ी सही सही नेक, नई उम्र थी मेरी। अच्छा अच्छा, बैंडिट क्वीन के टाइम पे। हाँ नई उम्र थी मेरी। क्षेत्र में जो फिल्म में ज्यादा शूट होते हैं उसमें देख रेख की? हाँ देख रेख। अच्छा ये बताइए, आपके गांव के साइड में इधर अभी भी कोई डाकू वगैरह आते हैं क्या? कुछ कोई नहीं आता है अब, डाकू तो खत्म है। खत्म है। पहले आपके मतलब आपकी उम्र में जब आप छोटे थे तब आए थे? तब तो बहुत छोटे, खूब बड़े आए थे तभी आए थे डाकू? क्यों इलाका ही नहीं का है। अच्छा तो कितने साल से नहीं है डाकू का? अब तो 5-7 वर्ष से कोई डाकू नहीं। 5-7 वर्ष से डाकू वाकू सब खत्म हो लिए। तो चंबल के बिहड़ों में जाने आने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं कहीं नहीं। नहीं ऐसा नहीं एक दो डाकू कहीं छिपे रहे होंगे? नहीं बाबा साहब, आपने तो कोई डाकू से पाला पड़ा होगा कभी एक आध बार, क्या आपके जमाने में ना रहे? तुम्हारे जमाने में तो डाकू आते होंगे यहाँ पे? अरे पहले आए हो सही, लूट के ले जाते होंगे पूरा सोना चांदी। ये कौन ना लूट होवे ने अब जहां तो उन्होंने लूट कर ले भाई, बिहार में जाके मैं रह रहा हूं तो यहां थोड़े ना लूट करेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं धौलपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर एक गांव है नकटपुर। तो वचना जी ने गांव बताया था वो सरायखेड़ा ने, अभी तो सरायखेड़ा बताया था उन्होंने, सरायखेड़ा हमने जानकारी कही तो यहां पर हम पहुंचे हैं। और ये है अंकल जी, अंकल जी क्या नाम है आपका? इनका नाम है छोटेलाल जी है। तो इन्हीं के घर पे हुई है शूटिंग जो ठाकुर को घर बताया गया था फिल्म में। तुम्हें कुछ दिए थे? नहीं हमें कोई पैसा ना दे, हमको बात ही ना मन तो कोई बात तो हुई होगी, आप घर पे आए हैं शूटिंग करने? कच्चू ना जो कोई शूटिंग करेंगे भैया, मेरे भैया कर ले, मैं कहा पहली बार आई हमारे घर, हमारे गांव में ये थोड़ी बार बार हुई। तो आपके गांव लेके आया था कुछ मालूम? हमें नहीं पता था, गांव को आपके गांव को लेके आया कोई ना कोई? हां कोई और लेके आया, वो तो कोना लेके आया, एक नाई हो वो धौलपुर को। हां उसको बताते हैं धौलपुर के कोई नाई लेके, तो उसने लिए होंगे भाई कुछ ना कुछ? उसने लिए वो लिया वो जो लिया। आपको कहना चाहिए था भाई हमारे घर पे आप शूटिंग कर रहे हो यहां रह रहे हो तो आपको देना पड़ेगा कुछ? अरे भैया ना हमने कच्चू ना बताई वैसे ही कर लेंगे भाई, नॉलेज ही नहीं हम लोगों को। तो 4-5 दिन में हो गए उनकी शूटिंग यहाँ? 4-5 दिन यहाँ आई और गांव में हुई उधर, मतलब नेहरपुर हुई है, नेहरपुर हुआ ही माई खेतन में ज्यादा आई है ना।
मतलब जो ट्रैक्टर चलायो ना, अच्छा अच्छा, तो बोली थी वो कटहर को ढूंढो वो उठा लो, अच्छा अच्छा, वो टूटा टूटी थी। आपके गांव के आम के बाग भी है, आम के बाग के बाग है, आम के बाग में भी शायद शूटिंग हुई है। आम आए ये तो पान सिंह तोमर आवे रिपोर्ट करा के, तो वहीं फिर आम के बाग में पकड़े हैं वो। आम के बाग में आम के पेड़ है पंचायत जुड़ी, और वहीं वो मतलब जो करो वहीं पंचायत वाला जो कलेक्टर, हाँ कलेक्टर आए, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे वो गन्ना भी रखे है ना? हाँ गन्ना रखे। गन्ना कहाँ से लाए काट के वो? गन्ना देखना थे। अच्छा आप बाबा तो ये गन्ना चूस लेते तब मैंने करना बर्बाद है। गन्ना चूस लेते तब बर्बाद है। अच्छा वैसे आग टेगी ये गन्ना भी ना चूसन दिया? फिर वो तो गीले गन्ना में आग कैसे लग गई? गन्ना तो गीले है ना वो, मतलब सूखे थोड़ी है। अरे यार पता ही रखे नहीं, वो तो आग लगाई पिक्चर बढ़ा रही है ना, पिक्चर बढ़ा डीजल वगैरह आग लगाई यार, तो रखे थे जगह बहन दोनों साइड में। फिर यहाँ वो इरफान खान आवे जब कहे वो दोस्तों, फिल्म का एक सीन यहाँ पर भी शूट किया गया था, इस जगह पर चारा कूटने की मशीन रखी थी, यहाँ मशीन रखी थी, और ये यहाँ पर पहले ईंट नहीं बिछी थी, ईंट बाद में बिछी है, और ये पूरा कमरा दिखाया गया, और वो अगला वाला घर भी है, उस घर के ऊपर पहले छप्पर डला था तो वो नहीं है अभी, और उसके बाद फिर कुछ सीन है इस कमरा के लिए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ इसमें लिखा है ठाकुर दुर्ग सिंह कुशवाहा सन 2006 में बनाए। इस जगह पे भी एक सीन फिल्माया गया था जिसमें जंगला दिखाया है, और ऊपर के जो बने हैं यहाँ पर डिजाइन ये पूरी दिखाई गई है। यहाँ पर जब पान सिंह तोमर के ताऊ खड़े होते हैं, ताऊ या चाचा जो होते हैं, तो वो सीन यहीं पे था। और ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ यहाँ की लोकेशन आज की। परिवर्तन तो यहाँ पे यही हुआ है कि ये बस ईंटें बिछी हैं, और तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं ज्यादा। परिवर्तन नहीं हुआ है, और बाड़े में भी मतलब जो मतलब खींचा ना उस अंदर भी मतलब बाड़े में वैसे ही वैसे। अच्छा जहाँ पे वो लड़का में मार दई, उनने मार दई ऊपर डार के नहीं, हाँ तो वो भी ऐसा ही अभी भी है, हाँ बाड़ो है बिल्कुल पास में ही है, ये को रहा है अंदर। अच्छा यहीं पे, चलो वो भी देख। अच्छा यही बाड़ा है, यही बाड़ा है वहाँ के, हमने स्क्रीन शॉट पे नाली फोटो ये कंडे वगैरह ये रख दिए पहले भी, पहले कंडे ना आए, हाँ बाकी उधर उधर की उधर ही ले। अच्छा यहीं पे हुई शूटिंग, हाँ यहीं शूटिंग है। चलो छप्पर तो डले हुए थे पहले से यहाँ पे, पहले छप्पर डला था, शूटिंग हो रही तभी भी छप्पर डले हुए यहाँ पे, सही है। तो या कॉर्नर में देखिए उनमें जब वाटे पर बाहर हो रही, होली भी खेली होगी उन्हें, बिल्कुल खेली, होली के सीन है कुछ हमें, होली के दिन ही फिर लड़का मार लगाई पान सिंह तोमर के, अरे बहुत मार दी थी यहाँ, हाँ मार तो रियल में थोड़ी देर होगी वैसे ना, रियल में ऐसा था जैसे कपड़े बांध रखे थे, अच्छा और बहुत मतलब वैसे, और वैसे ही देव करे वो तो लठिया दही सास मास की, हाँ लठिया सास मास की खूब बराबर आए हमारे सामने, अच्छा क्यों देखा तो ऊपर थड़के नहीं भैया भाई सीन मल लियो वैसे तू देख ले देखन तो ले सही है सही, देखने की कोई वो थोड़ी है, हाँ। तो गांव में भीड़ तो खूब हुई होगी शूटिंग में जब, अरे यहाँ पूरी एरिया ही आएगी देखने के लिए, आसपास के एरिया दूर खड़े करते, अच्छा सीन नहीं आवे। अभी हम यहाँ कौन सा गांव है यहाँ पे, सराई खेड़ा है, सरानी खेड़ा, यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि शूटिंग कहाँ हुई, तो उन्होंने बता दिया कि नकटपुराम हुई है, हाँ। मतलब दूर दूर तक के लोगों को मालूम है कि यहाँ पे शूटिंग हुई है, यहाँ 10-10 गांव के का 20-20 गांव के इकट्ठे हुए थे, और भी कोई फिल्म की शूटिंग हुई क्या यहाँ पे? नहीं पहली बार हुई थी, बस एक ही पहली बार यही हुई पान सिंह तोमर की, पान सिंह तोमर। चलो सही, वैसे उनके लोग कितने आते हैं यहाँ पे शूटिंग करने? शूटिंग करने कम से कम उनके लोग थे 200 आदमी आते थे, 200 आदमी बहुत, ये पता नहीं है कि कुछ लोग वैसे हैं जो ऊपर का भैया कुछ वैसे ऐसा हो सकता है, हम लोगों को 1 रुपये भी नहीं मिला, ये गलत काम कर रहे हैं, देखो आपके लिए तो वाजिब था और पैसा मिलना, क्यों आपके घर में हुई शूटिंग यहाँ बाड़े में, अरे हमने खाना भी पौधे पे भी निकाल दिए वापसी रेट पे, मैंने कि भैया कर रहे तो कर लियो तो बांध देंगे, हाँ सही, पौधे मतलब भैंस यहाँ खड़ी रहती है, अच्छा अच्छा भैंस भैंस बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दी भैया शूटिंग कर रहे हैं तो कर लो, हमसे कहते हैं भाई देखो आप हमारे घर में शूटिंग कर रहे हो घर में और यहाँ बाड़े में, तो हमारे तो कुछ न कुछ भाई करो देखने भी ना दिया, बताए क्या होता है, देखिए एकदम सीधा साधा आदमी होता है ना उसकी भाई देखो कहीं नहीं चलती, वो ही करते हैं वो लोग, आप बिल्कुल सीधे साधे हो तो क्या कहें, मन तो जो अब तुम ले रहे हैं, मन तो जो भी ना पता तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या ना हमने तो आपको बताया, हमने आपको बताया कि हम आके यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी और क्या क्या हुआ था पहले, बस हम तो इंटरनेट पे लगाएंगे यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब पे आएगी हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस आम के बाग में भी एक दो सीन फिल्माए गए थे फिल्म के, ये है पूरा आम का बाग।
दोस्तों काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद हमें पान सिंह तोमर फिल्म की लोकेशन मिल पाई है, और इसकी कुछ लोकेशन जो इधर है देहरादून साइड में, जहाँ पर जो ट्रेनिंग के सीन होते हैं आर्मी के, जितने भी आर्मी कैंट दिखाया गया है वो सब इधर ही का ही है। कुछ सीन रुड़की में भी लिए गए हैं, और यहाँ पर जितने सीन थे सभी हम आपको दिखा चुके हैं। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।